अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम जहाँजेब खान है और आप जेब टेक गुरु यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जो वाईफाई कॉलिंग वाली इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ, ये पाकिस्तान में अभी तक किसी ने नहीं दी और मैं सबसे पहला बंदा हूँ जो आपको शेयर कर रहा हूँ और आपको डिटेल से बताऊंगा इसका फ़ायदा क्या है। जहाँ भी ट्रैवल कर रहे हैं, इवन के प्लेन के अंदर, आप अपना जैस का नंबर चला सकते हैं और बगैर किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के भी आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको अपने सेलफोन की स्क्रीन पर लेके जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसको यूज़ कैसे करते हैं। जी हाँ जी, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको दिखाऊंगा सेलफोन पे, तो ये देखें जी, ये मेरे पास सेलफोन है और इसमें कौन कौन से कैरियर चल रहे हैं ये आपके पास नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे। ये देखिएगा, एक जोंग है और जेक जैसा। देखने की बात ये है कि ये जो आइकॉन है ना ऊपर, ये देखिएगा ज़रा, ये एक के साथ, ये एक वाईफाई का आ रहा है और दूसरा ये जो वाईफाई के साथ फ़ोन का निशान है, इट मीन्स कि ये वाईफाई है। और ये मेरे फ़ोन के ऑप्शन में देखें, ये ऑन है। कैरियर मैंने आपको दोनों दिखा दिए और उसके बाद मैं आपको सिम मैनेजर में आपको सिम कार्ड दिखा देता हूँ और मैं फ़ोन नंबर काट रहा हूँ थोड़ा सा। ये देखें, ये ई सिम लगी हुई है मेरे पास और ये पाकिस्तानी नंबर ही है। मैं आपको फिर भी थोड़ा सा दिखा देता ताकि लोग ये ना कहें कि ये नहीं, पाकिस्तानी नहीं है। और ये मेरे पास सैमसंग के फ़ोन में लगी हुई है और ये नेटवर्क सेटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। वीओ एलटी मैंने दोनों के लिए ऑन किया हुआ और अभी मैं आपको चल के कॉल करके दिखाता हूँ। सही है, ये मेरा डायलर खुल गया था, सॉरी। अभी मैं पहले आपको सिम वन से कॉल करता हूँ। ये देखिएगा, ये सिम वन से मेरी कॉल चली, ये जोंग का नेटवर्क है। ओके, और अभी मैं सिम टू से मिलाता हूँ। 1 2 3, ये सिम स्विच की यहाँ से और ये मैंने कॉल कर दी। और ये कॉल भी शायद वाईफाई पे है, मैं इसको ऑफ करके आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, ये मैंने ऑफ कर दिया और ये मैंने 1 2 3 डायल की और ये सिम टू की और ये मैंने कॉल कर दी। देखें ऊपर अब वाईफाई का निशान नहीं आ रहा। और देखने की बात ये कि ऊपर वी ओ एल टी हो गया है। कि वी ओ एल टी क्या है, इसकी भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि वी ओ एल टी क्या चीज़ है और उसको अब क्या यूज कैसे कर सकते हैं, उसका फायदा क्या है। ये अभी मेरी कॉल लगी है, इसके साथ कोई वाईफाई का निशान। अभी चेक करने की बात क्या है, ये देखिए मैंने लगा दिया फ्लाइट मोड, मेरा सेलफोन है इस टाइम फ्लाइट मोड में और मैं 1 2 3 डायल करता हूँ। वो कह रहा है टर्न ऑफ एयरप्लेन मोड, सही है। दोबारा से 1 2 3 किया, ये सिम टू कर दी और ये कॉल कर दी, फिर से सेम एरर। और अभी सिर्फ मैंने यहाँ से ये ऑन करना है। जैसे मैंने ये ऑन किया, ऊपर देखिएगा नोटिफिकेशन बार के अंदर मेरे पास वाईफाई कॉलिंग आ जाएगा। अभी देखिएगा, ये मैंने ऑन कर दिया, सॉरी मेरी वाईफाई नहीं ऑन थी, ये मैंने वाईफाई भी ऑन कर दी। अब ये वाईफाई ऑन हो गई है मेरी और थोड़ी ही देर में ये वाईफाई कॉलिंग का निशान आ गया। ये अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो वो ऊपर चला जाता है। ये देखिए, ये मैंने ऑफ की और ये मैंने ऑन की, ऑन अब मैंने कर दिए और ये अभी यहाँ पे आ जाएगा, आ गया। अभी मैं 1 2 3 डायल करता हूँ सिम वन से, तो सिम वन पे जोंग है, वही निशान दे रहा है, वही एरर दे रहा है। 1 2 3 करके सिम टू की और ये देखें, ये कॉल का आइकन भी मेरा चेंज है। जैसे मैंने ये डायल किया और मेरा ये कॉल लगी। बैलेंस के लिए 1 मिलाइए, रिचार्ज के लिए 2 मिलाइए, ये बिल्कुल सही कॉल जा रही है, लेकिन अभी मैंने इस पे कुछ ये नहीं चेक किया कि बैलेंस वगैरह आप चेक कर सकते हैं कि नहीं। आपके सामने मैं बैलेंस चेक करता हूँ। यूएसडी, ये कोड मैं नहीं डायल कर सकता, लेकिन मैं कॉल्स और एसएमएस कर सकता हूँ बिल्कुल। ये देखिएगा, क्योंकि ये आइकन जैसे मैं सिम टू करता हूँ, आइकन डायलर का ये वाईफाई वाला हो जाता है। ये सब इसी की बदौलत है, वाईफाई कॉलिंग की बदौलत। अब मैं इसके लिए, अगर आप मेरी वीडियो पसंद करेंगे और मेरा टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स है, अगर मुझे 100 लाइक्स मिल गई तो मैं आपको एक और वीडियो बना के दिखाऊंगा कि वाईफाई कॉलिंग किन किन सेलफोन पे चलती है और कैसे आप ऑन कर सकते हैं, और ऑन करने का तरीका बताऊंगा और सपोर्टेड सेलफोन बता दूंगा। प्लस ये जो बीआईपी ऐप है, ये जो जैज ने जिसका ट्रायल 1 मंथ के लिए दिया था, इसके बारे में भी आपको वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह।
और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें और वीडियो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करें, ताकि मैं आपको मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो बना के दिखाऊं और मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं कि पाकिस्तान में सबसे अच्छा नेटवर्क कौन सा है, टेक्नोलॉजी के मामले में क्या चीज़ बेहतर है क्या नहीं। मैं सब आपको इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह ताला इसी चैनल पे दूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।